हमने एक हफ्ता पहले वीडियो बनाई थी, उसी का सेकंड पार्ट है। इसे और किसी वीडियो से ना जोड़े, थैंक यू। तो कैसे आप लोग, आज हम फिर से आ चुके हैं उसी रैम चैलेंज को कंप्लीट करने जो हमने पिछली वीडियो में आधा छोड़ दिया था। तो ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़िया मौसम है। तो पिछले मैं कंप्लीट कर दिया था, उसी के साथ ही मैं रह गया था। तो फ्रैंकलिन भैया ने 2 बार गिर के और काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड बनाया, उसी के साथ मैं 2 बार से कम गिरा। ओके, फ्रैंकलिन भैया तो मैंने नीचे गिरा दिया। तो ठीक है फ्रैंकलिन भैया, मिलते हैं हम रैम चैलेंज के बाद। तो ठीक है, जल्दी जल्दी ना मैं रैम चैलेंज कर लेता हूँ, उसी के बाद है ना काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर ये वाली गाड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी। मैंने पहले ना सबसे आगे वाली छाट ली थी, लेकिन अब मुझे वो बढ़िया नहीं लग रही। अब मुझे ये वाली काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रही है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, इसके कारण हम काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जा सकते हैं, लेकिन है ना मुझे इसमें नहीं टकराना है। तो यहाँ पर जो गाड़ी है ना काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ रही है, तो उसी के साथ ही मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है कि रैम चैलेंज नहीं होगा या फिर नहीं होगा। उसी के साथ यहाँ पर सब बॉम्ब्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी बॉल्स है, और ये क्या घूमने वाली छतरी लगा रखी है क्या इन लोगों ने। तो भाई से जल्दी जल्दी अपना रैम चैलेंज पर फोकस करते हैं और यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं। 1 मिनट रुक जाओ भाई से, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बना रखा है इन्होंने। मुझे तो इतना पैदा लगा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा खतरनाक बना देंगे। तो भाई से काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे कि रैम चैलेंज नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? शायद आपने पिछली वीडियो में कमेंट कर दिया होगा, उसी के साथ इस वीडियो में भी कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता था, मैं जीतूँगा या फिर फ्रैंकलिन भैया जीतेंगे। तो ठीक है गाइस, यहाँ से मैंने जंप करा दिया, उसी के साथ ही मैं थोड़ा सा बच गया, वरना मैं नीचे ही गिरने वाला था। तो यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पंखे लगे पड़े, इनमें से हवा आएगी या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता। तो आप है ना मेरे लिए वीडियो को लाइक कर दो, उसी के साथ दुआ करो मैं ही जीतूँ। अगर मैं जीतता हूँ तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक रैम चैलेंज बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर तो मुझे ओके, यहाँ से तो मैं नीचे गिर गया, काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ एक बार। तो राइट गाइस, तो मैं एक बार यहाँ से नीचे गिर चुका हूँ, उसी के साथ ही मुझे अब और नहीं गिरना। फ्रैंकलिन भैया 2 बार गिरे थे। तो ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं, उसी के साथ ही फ्रैंकलिन भैया को दिखाना है कि मैं ही सबसे ज़्यादा बढ़िया रैंप खेलता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, मैं ज़्यादा बढ़िया खेलता हूँ फ्रैंकलिन भैया? तो ठीक है, यहाँ पर तो काफ़ी बड़े बड़े पंखे, क्या बात है क्या बात है। 1 मिनट रुक, थोड़ा सा बच के मैं से इसमें बिल्कुल भी नहीं टकराना। तो 1 मिनट रुक जाओ भाई, मैं टकराने ही वाला था। तो यहाँ पर तो थोड़ा सा मैं बच के निकल सकता हूँ, उसी के साथ ही यहाँ से मैं छोटा सा जंप है और ये मैंने जंप लगा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते काफ़ी बड़ी बड़ी बॉल्स, इनसे बिना टकराए मैं ईजिली निकल सकता हूँ। तो ये 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये क्या हो गया एकदम 2 टायरों पर बाइक, मतलब जो मेरी गाड़ी है वो चल गई थी। ओके, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बाइक्स रखी हुई हैं, मेरे हिसाब से मुझे बाइक्स चेंज करनी है। तो ठीक है, जल्दी जल्दी ना यहाँ से एक बाइक ले लेते हैं, उसी के साथ ही ना यहाँ पर है ना जो बाइक्स हैं वो कौन सी लो। ओके, इसी जिस कलर की मैंने गाड़ी ली थी ना उसी कलर की मैंने यहाँ से बाइक उठा ली, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है, मैच भी हो रही है। तो ठीक है गाइस, जल्दी जल्दी यहाँ से मैं भगा लेता हूँ, उसी के साथ यहाँ पर तो और ज़्यादा बॉम्ब्स रखे हुए आगे तरफ देख सकते हो। इतने ज़्यादा बड़े मतलब ब्लास्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो टायर्स है ना उसको थोड़ा सा नुकसान पहुँचा ही सकते हैं। उसी के साथ ही आगे की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक। 1 मिनट जो मैं यहाँ से गिर गया गाइस। और राइट गाइस, तो मैं 2 बार गिर चुका हूँ, उसके साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं गिरना। अगर मैं गिरता हूँ तो ये मानो मैं आज का रैम चैलेंज हार जाऊँगा। तो ठीक है, जल्दी जल्दी यहाँ से भगा लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ से फ्रैंकलिन भैया ने थोड़ा स्किप कर दिया था क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस है। तो इसकी वजह से मैं भी अगर चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं यहाँ पर कर पाऊँगा या फिर नहीं। अगर मैं गिरता हूँ तो ये मेरा वैसे भी नहीं माना जाएगा। तो ठीक है गाइस, जल्दी जल्दी यहाँ से घुमा लेते हैं। तो पीछे चलते थोड़ा सा पीछे। ओके, जल्दी जल्दी यहाँ से 3, 2, 1, उसी के साथ ही मुझे बिना टकराए यहाँ से निकल जाऊँगा या फिर नहीं। ओके, मैं यहाँ से निकल तो चुका हूँ, उसी के साथ ही मेरे हिसाब से मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन नहीं। और राइट गाइस, तो यहाँ से मैं स्किप करके आ चुका हूँ, उसी के साथ ही अभी तक मैं 2 ही बार गिरा हूँ, ये वाला नहीं माना जाएगा क्योंकि फ्रैंकलिन भैया का भी नहीं माना गया था। उसी के साथ ही यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा होती, इतने ज़्यादा बॉल्स है, कितने ज़्यादा बॉम्ब्स भी रखे हुए पड़े यार। यहाँ पर तो अगर मैं एक बार भी टकराया तो काफ़ी बुरे वाली मेरी बाइक ब्लास्ट हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ से जल्दी जल्दी भगा लेते हैं अपनी गाड़ी को। तो ये देखो भाई, ये मैंने लगा दिया एक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जंप। तो क्या बात है। ओके ओके, यहाँ पर सब बॉल्स ही है, बॉम्ब्स नहीं है। तो ठीक है, यहाँ से जल्दी जल्दी आगे की तरफ भगा लेते हैं। और यहाँ पर कितना ज़्यादा बड़ा रैम चैलेंज अभी भी बाकी है। मुझे तो लगा था वहाँ से देख के मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा छोटा रैम चैलेंज, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रैम चैलेंज है। तो गाइस, ऐसे में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है कि यहाँ से मैं कहीं गिर ना जाऊँ। उसी के साथ ही फ्रैंकलिन भैया भाई सब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से रैम चैलेंज को करके गए थे, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं काफ़ी ज़्यादा बेकार खेल रहा हूँ। लेकिन कोई तुम चिंता मत करो, अगर आप मेरे स्पोर्ट में हो तो मैं ज़रूर जीतते दिखाऊँगा। उसी के साथ ही यहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा भाई सब क्या ही ज़बरदस्त रैम चैलेंज, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। सिंच में जो चॉप है ना उसने काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर रखा है इस रैम चैलेंज में। उसी के साथ ही यहाँ पर मैं आपको काफ़ी बेहतरीन स्टंट दिखाने वाला था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। तो ठीक है, यहाँ से 1 मिनट रुक जाओ, मैं पूरा का पूरा टर्न देकर दिखाता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसी के साथ ही यहाँ पर मैं गिर गया। तो आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो मुझे और कमेंट करो, मैं आपको ये रैम चैलेंज जीत के दिखाता हूँ। उसी के साथ अगर हमारे बीच में टाई होता है तो मादा पैसा बांट लेंगे। तो ये देखो भाई, क्या ही गलत ही चीज़ हो रही है। मैं इसमें पूरा का पूरा टर्न देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ से जंप लग जाता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बेकार तरीके से मैं यहाँ से नीचे गिर जाता हूँ। और देख सकते हो यार, मैं कितना ज़्यादा बेकार खेल रहा हूँ। उसी के साथ ही यहाँ से ना मुझे थोड़ा सा और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। रुक जाओ यार, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, यहाँ से जल्दी जल्दी भगा लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो 3, 2, 1 और यहाँ से मैं भगाता हुआ और यहाँ से जंप करा दूंगा। उसी के साथ ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्त मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर बॉल से बिल्कुल भी नहीं टकरा, वरना मेरी स्पीड कम हो जाएगी। और ये मैंने लगा दिया है जंप और यहाँ पर मैं नीचे गिर गया गाइज़। और राइट गाइज, तो मैं यहाँ से 3 बार गिर चुका हूँ, तो ये मानो मैं हार ही चुका हूँ। हाँ भाई शिनचैन, क्या दिक्कत है, क्या हुआ? तूने तो मुझे ऊपर से भी नीचे गिरा दिया, अब भी तू नहीं जीत पाया तो क्या करूँ मैं तेरा। उसी के साथ ही यहाँ का जो रैम चैलेंज है वो कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा हो चुका, 2 पार्ट्स में हुआ लेकिन हो चुका है। इस रैम चैलेंज का विनर हूँ मैं। उसी के साथ अगर ये बिना गिरे कंप्लीट भी कर दें तब भी ये हार जाता। आपको याद होगा एक जगह पर हमें गाड़ी चेंज करनी थी, लेकिन इसने गाड़ी चेंज नहीं की वहाँ पर। उसके बावजूद भी मैंने इसको कोई नहीं, मैंने छोड़ा, छोड़ो मौका दे देते हैं बच्चा, लेकिन फिर भी गिर गया और ये हब हार चुका। तो रैम चैलेंज में जीत चुका हूँ। तो आज जुड़ी इतनी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना।